मैं इस समय धार जिले के बदनावर विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां पर ग्रामीण इलाके में प्रचार करते हुए मिल गए हमें कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार राधेश्याम उवेल साहब और तमाम वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो कुछ सवाल हैं, टिकट मिल गया आपको, विजन क्या होगा, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दे साफ है, किसानों की जो समस्याएं चल रही है, समर्थन मूल्य की है और बेरोजगारों के लिए है, रोजगार मिल नहीं रहा है। हमारा सबसे ज़्यादा समस्या जो आ रही है वो पलायन की धार जिले में, आप भली भांति से जानते, कई बार आपने भी इस मुद्दे को उठाया है। हमारे आदिवासी लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम पब्लिक के बीच में हैं। रिस्पॉन्स कैसा है जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार? 400 पार अगर होता तो ये जिस हिसाब से ईडी और सीबीआई को एक कठपुतली बनाकर जो दीवार के रूप में काम कर रही है, ऐसा संभव नहीं है। 190 सीटें बीजेपी की आ जाए बड़ी बात है। अगर बीजेपी की सरकार बनने के थोड़े भी चांस दिखते हैं तो केजरीवाल को जेल में कभी नहीं डालते वो। तो आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन है जिसको कांग्रेस लीड कर रही है, वो कहाँ तक पहुँचेगा? निश्चित तौर पर ये जो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और आखिरी हद तक गुजरने को तैयार है, उससे ज्ञात होता है कि हमारी जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेगी, हमारे गठबंधन की बढ़ेगी, और बिहार में तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। बिहार के लोग में, चूँकि बिहार का इंचार्ज रहा हूँ यूथ कांग्रेस का, तो वहाँ के लोगों को कहना पड़ रहा है कि इनकी 5 सीटें आ जाए बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में हम 50-50 पोजिशन पर हैं, राजस्थान में भी है, तो निश्चित तौर पर सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। सावित्री ठाकुर को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखो, सावित्री ठाकुर जी क्या कहीं ऐसे है कि कहीं सरपंच नाराज है? 5 साल उनको मौका दिया गया और 5 साल मौका देने के बाद में भी धार जिले के लोग उन्हें नहीं पहचानते, इससे ज्ञात होता है कि सावित्री ठाकुर जी बहुत कमज़ोर है। और मैं उनको इतना वो नहीं कहना चाहूँगा, भाई सामने जो है उसको योद्धा ही माना जाएगा, लेकिन चुनौती है, हम उस चुनौती का सामना करेंगे और निश्चित तौर पर धार लोकसभा हम जीतेंगे। एक चर्चा ये भी है कि कांग्रेस में भी थोड़ा सा दिक्कत है धार जिले में, एकता की कमी है या कुछ लोग नाराज हैं? कोई नाराज नहीं है। राधेश्याम उवेल एक चेहरा ही ऐसा ढूंढ के लाए कि कोई नाराजगी नाम की कोई चीज़ नहीं। सारे विधायकगण, सारे वरिष्ठ लोग और जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी लोग हैं, सब मेरे साथ हैं। कोई फिगर तय किया है, अगर आपको लगता है कि आप जीत रहे हैं तो कोई फिगर तय किया है? हाँ, निश्चित तौर पर 1,00,000 करोड़ से ऊपर ही जीतेंगे हम। तो ये थे राधेश्याम उवेल जी, लोकसभा धार के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दावा है कि 1,00,000 से ऊपर से जीतेंगे और उनकी जो एनिमी हैं, विरोधी हैं, पार्टी जो लड़ रही हैं, सावित्री ठाकुर, उनको लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया है। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।